टुडे वी सॉल्व एग्जाम्पल 4.6। द एरिया ऑफ प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज ए एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज डी। आपके पास क्या गिवन है बेटा, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैसे बांधते हैं, एक प्लेट पर हम पॉजिटिव चार्ज लेते हैं और उतना ही नेगेटिव चार्ज एक दूसरी प्लेट पर लेंगे। डिस्टेंस बिटवीन देम इज डी एंड एरिया इज ए। तो इसका कैपेसिटेंस हमें पता है, अगर इसके अंदर वैक्यूम है तो कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी होगी, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में कितना डी आपके पास है। नाउ इफ द एरिया इज इंक्रीज टू टाइम्स एंड डिस्टेंस बिटवीन प्लेट इज मेड टू हाफ। अब कंडीशन है तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन अकॉर्डिंग क्या बोला गया है, एरिया को तो क्या करना है टू टाइम्स डबल कर देना है और डिस्टेंस को क्या कर देना, हाफ कर देना आपको। तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये जितना पॉजिटिव चार्ज एक प्लेट पे होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज दूसरी प्लेट पे होगा। पहले एरिया ए था, अब कितना हो गया 2a। डिस्टेंस पहले डी था, अब कितना हो गया डी बाई टू। तो डेट इज ओवर न्यू एरिया और डेट इज ओवर न्यू डिस्टेंस, डी डैश कंसिडर कर लेते हैं। तो इस कंडीशन पे इनका जो कैपेसिटेंस होगा डेट इज सी डैश, वो कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट ए डैश अपॉन में डी डैश आपके पास। देन सी डैश कितना लिखा जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए डैश की वैल्यू कितना है 2a अपॉन डी डैश कितना है डी बाई टू। टू कहाँ चला जाएगा, ऊपर। देन हम लिख सकते हैं सी डैश इक्वल टू कितना के पास 4 एप्सिलॉन नॉट ए बाई टू। अब एप्सिलॉन नॉट ए बाई टू तो जो इनिशियल में था वो वाला कैपेसिटेंस है, और क्वेश्चन ने बोला भी है कि कितना कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा, कंपेयर करना है इसको किससे, इसकी इनिशियल वैल्यू से। तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, सी लिख सकते हैं। देन सी डैश कितना हो जाएगा 4 ऑफ सी। इसका मतलब जो न्यू कैपेसिटेंस आएगा वो ओल्ड कैपेसिटेंस का कितना टाइम्स होगा, 4 टाइम्स।